हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस में भौतिक विज्ञान के जो इलेक्ट्रिसिटी नाम के पार्ट का सवाल आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को हल ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस जो भौतिक विज्ञान है उसे चैप्टर फर्स्ट से हल करेंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इससे हमने करा दिए, 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर जो नहीं आया तो इसी के जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी बच्चे अगर जो चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये प्रतिरोधों के संयोजन की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। एक परिपथ है जिसमें R1, R2, R3 तीन समांतर क्रम में, R5, R6 आपस में समांतर क्रम में, और जितने भी प्रतिरोध इनसे मिलकर के बनेगा R4 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। जितने भी प्रतिरोध हैं उन पर हमें वोल्टता का मान, विभवांतर निकालना। जितने भी प्रतिरोध हैं विभवांतर, इस प्रतिरोध पर भी क्या निकालना, विभवांतर यानी वोल्टता का मान। जो बैटरी लगाई गई है वो 16 वोल्ट की लगाई गई है। ये कुंजी है, कुंजी का मतलब स्विच। स्विच को ऑन करेंगे जैसे इसमें विद्युत धारा घूमना शुरू हो जाएगी, यानी पूरी बैटरी यूज में आने लगेगी। यहाँ पर लगा हुआ एमीटर, इसका काम होता है विद्युत धारा का मापन करना। ये बताएगा कि इस रास्ते से, इस पूरे परिपथ से कुल कितनी एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, ये चीज बताता है एमीटर। ये कुंजी जानते ही हैं, कुंजी को जैसे ही बंद करेंगे, बंद करने का मतलब स्विच को ऑन करेंगे, तुरंत ही इसमें क्या घूमने लगेगी, धारा। यानी कुंजी को क्या कर दिया गया, इसे ऑन कर दिया गया ना, स्विच को ऑन कर दिया गया, यूज में आने लगेगा। यहाँ प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, प्लस से विद्युत धारा घूमना शुरू करेगी, इसमें विद्युत धारा अलग अलग जाएगी, तीनों में अलग अलग पथ बदल गया ना, यहाँ विद्युत धारा का पथ बदल गया, और पथ बदलने पर हमेशा विद्युत धारा बढ़ जाएगी। अगर जो विद्युत धारा असमान है तो फिर असमांतर क्रम, अगर विद्युत धारा समान जा रही है तो श्रेणी क्रम। तो ये तीनों में विद्युत धारा क्या जाएगी, समान, असमान जाएगी, तो इसलिए आमने सामने ही है तो इसलिए समांतर हो जाएगी। तो यही विद्युत धारा वापस बाहर निकलेगी, निकलेगी तो पुनः कौन सी धारा बन जाएगी, आई, 10 ओम में आई जाएगी आई धारा। यहां पर आई धारा भी बट जाएगी, बटने का मतलब पथ बदल गया, और पथ बदल गया तो धारा का मान बदल जाता है, और धारा का मान जहां जहां बदला है वहां समांतर क्रम, अगर धारा का मान नहीं बदला है तो श्रेणी क्रम। पुनः विद्युत धारा यहां से बाहर आएगी, यहां पर फिर से ये क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम यहां पर देखें ये चीजें, एक कांसेप्ट है अगर समांतर क्रम में वोल्टता समान रहती, देखो ये एक ही विभव विभवांतर के बीच लगा, यानी एक ही बिंदु के बीच लगा, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तीनों प्रतिरोध लगे, यानी इनका विभवांतर समान होगा, बिंदु समान होने पर विभवांतर समान। ऐसे ही ये मान लेंगे पी और क्यू के बीच लगे हैं, तो ये पी और क्यू के बीच लगे यानी इनका भी विभवांतर समान, ये बी और क्यू के बीच लगा है तो इसमें विभवांतर इसका अलग आएगा, ठीक है ना। तो सेल जो है वो तीन, जो बैटरी है वो तीन भागों में बट रही, एक ए और बी पर वोल्टता दे रही, एक बी और क्यू के बीच जो 10 ओम का लगा हुआ है बल्ब या पंखा कुछ भी कोई एक प्रतिरोध उसको दे रहा है, और एक पी और क्यू पर जा रही है, तीन जगह बट रही है, इन तीनों पर वोल्टताओं का मान निकालना है। यहाँ पर वोल्टता समान, यहाँ पर इसमें वोल्टता समान रहती है आपस में, यहाँ वोल्टता अलग रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1, R2, R3 में विद्युत धारा अलग अलग है, अलग अलग जा रही है, अलग अलग पथ में है, तो इसलिए कौन सा क्रम लगेगा, समांतर क्रम लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे R1, R2 एंड R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में अगर जो प्रतिरोध है तो 1/R' जो है इसका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ को बना लीजिएगा क्योंकि हम इसे मिटाते हुए चलते हैं आगे बढ़ेंगे। समांतर क्रम का प्रतिरोध संयोजन का सूत्र क्या, तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 +1/R2 +1/R3। 1/R1 की वैल्यू के देखो कितनी है, 30 है, R2 की वैल्यू भी कितनी है, 30 है, R3 भी कितनी है, 30 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो LCM इसका कितना आएगा, 30, इसे जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 ऊपर आपस में जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, 1, 2, 3, 3 के बटे में कितना आ गया, 30 आ गया, तो 3 * 1 = 3, 3 * 30, ये 1/R' आ गया।
अब वन वन के बराबर ऊपर वाला, ऊपर के बराबर तो नीचे वाला, नीचे के बराबर या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर डैश वैल्यू कितनी ओम आ गई, 10 ओम आ गई। यानी इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन जब कराते हैं तो कितने ओम का प्रतिरोध बनता है, यानी कुल रुकावट जो आती है धारा के मार्ग में वो 10 ओम आती है। तो इन सभी को हम इतना मिटा करके डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ये तीनों द्वारा एक ही प्रतिरोध बना है जिसका नाम क्या है, आर डैश है। तो यहाँ पर एक ही प्रतिरोध बना है इसका नाम क्या है, आर डैश है, और आर डैश का मान कितने ओम आया है, 10 ओम आया है। एकदम क्लियर है ना। अब विद्युत धारा आगे बढ़ते हैं, इसमें विद्युत धारा जो जा रही आई आई ही तो विद्युत धारा इसमें जा रही, अगर विद्युत धारा इसमें आई जा रही इसमें भी आई जा रही तो समान धारा है तो श्रेणी क्रम, विद्युत धारा समान है तो श्रेणी क्रम, नहीं समान तो समांतर क्रम। यहाँ पर की बात की जाएगी तो यहाँ विद्युत धारा अलग अलग भागों में फिर से बट गई, और जैसे विद्युत धारा बटेगी कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो पथ अलग अलग पथ है, आमने सामने ही है, देख लो अलग अलग पथ में लगे हुए तो समांतर क्रम। आर फाइव आर सिक्स किस क्रम में, समांतर क्रम। तो आर फाइव आर सिक्स किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर वन अपान आर डबल डैश बराबर वन अपान आर फाइव और प्लस का वन अपान आर सिक्स, ये होता है समांतर क्रम में उल्टा जुड़ता है। तो वन अपान आर डबल डैश बराबर वन अपान आर फाइव की वैल्यू कितनी है, 40। वन अपान आर सिक्स कितना है, ये भी 40। हल करेंगे एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 40 ही आएगा। ऊपर एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। दो के बटे में कितना है, 40, दो एक कम दो और 20 दून 40। तो किसकी वैल्यू आई है, वन अपान आर डबल डैश बराबर कितना आया है, 1/20 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे या ऊपर ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला नीचे के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 × 20 आर डबल डैश इक्कन आर डबल डैश 20 × 20 ओम। तो इसे सॉल्व किया तो ये कितने ओम का आया, टोटल कितने ओम का बना, ये 20 ओम का बना। तो पी और क्यू के बीच में टोटल जो प्रतिरोध आया है, दो प्रतिरोध अलग अलग थे, हमने एक बना दिया उसका नाम क्या है, आर डबल डैश कितने ओम का है, 20 ओम का। एकदम क्लियर है ना ये चीज। अब विद्युत धारा यहाँ से घूमना शुरू करेगी तो सब में विद्युत धारा एक समान जा रही है, यानी एक ही पथ में बह रही है, तो एक ही पथ में बह रही है तो इसलिए विद्युत धारा समान है। और अगर जो विद्युत धारा समान है तो कौन सा क्रम लगेगा, श्रेणी क्रम लगेगा। यानी जो आर डैश है, आर फोर है, आर डबल डैश है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। आर डैश कमा आर कौन सा है, डबल डैश या आर फोर देख लो, और आर डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों को आप जोड़ करके एक नया प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, यानी कि आर बराबर तुल्य प्रतिरोध आर है पूरे परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं, आर डैश प्लस आर फोर प्लस का आर डबल डैश, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है। तो आर आर डैश की वैल्यू कितनी, 10, आर फोर की वैल्यू 10, आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 20। जोड़ेंगे 20, 10, 30, 10, 40, तो आर की वैल्यू कितने ओम आ गई, 40 ओम आ गई। ये इस पूरे परिपथ की कुल, यानी जो बैट से लगा हुआ है, इतना बैटरी है सेल नहीं, सेलों के संयोजन को बैटरी, इन तीनों प्रतिरोध को मिलाकर के एक प्रतिरोध नया बना है, कितने ओम का बना है, 40 ओम का बना है। आर कितने वोल्ट की बैटरी है, सेल यानी 16 वोल्ट की। विद्युत धारा कितनी जा रही, आई। तो यहां से धारा का मान कितना आ जाएगा, परिपथ का प्रतिरोध पता चल गया, धारा आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। V कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 16, और R कितना आया है, 40। R से काटेंगे तो 8 × 16, 8 × 40, तो I बराबर कितना आया है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0, 5 × 5, 5 × 20,
0.4 एम्पियर की क्या बह रही है इन सभी में विद्युत धारा। चलिए हम फिर से परिपथ को पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो परिपथ बना हुआ था वो ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना, 10 ओम 30 ओम था, 30 ओम 30 ओम 30 ओम R1 R2 R3। यहां पर जो बना हुआ था वो ऐसे था, कितने ओम का था देखो, 40 ओम का था। तो हम सभी को पता है यहां पर कौन सा बिंदु था, A बिंदु था। और सबको पता है अगर बिंदु समान है तो फिर क्या समान रहता है, विभवांतर, यानी ए बी के बीच 30 ओम, ए बी के बीच 30 ओम, ए बी के बीच 30 ओम। अगर 30 ओम सभी के इन सभी के बीच लगा है तो इनके बीच की जो वोल्टता है, 30 ओम की बात नहीं, ये एक ए बी के बीच लगे हैं तो इन पर वोल्टता समान रहेगी, यानी ए और बी के बीच में वी ए बी विद्युत धारा इस पथ से कितनी जा रही थी, आई जा रही, ठीक है। इन सभी में वोल्टता कितनी आएगी, वी ए बी की बात हो रही है, आई वी बराबर आई इंटू आर, पढ़ा ना, वी बराबर आई इंटू आर, यहां पर लगा दे रहे हैं जगह, यहां पर आई इंटू आर। इसके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, आर डैश, तीनों को मिला करके ए बी के बीच लगा, बात तो वही आई, वोल्टता समान रहने वाली, ऊपर नीचे बीच में सब में वोल्टता समान है तो तुल्य वोल्टता जितनी बीच की आएगी उतनी इतनी आएगी, उतनी इतनी आएगी, तो डायरेक्ट आर डैश लिख रहे हैं। आई का मान देखो कितना, 0.4, आर डैस का मान देखो कितना आया था, 10, 0 से 10 हट जाएगा। वी ए बी यानी ए और बी के बीच कितने वोल्ट का लगा हुआ है सेल, या वोल्टता जा रही है 4 वोल्ट की। अब इस 4 ओम की बात करेंगे, 4 ओम किसके बीच की बात हो रही है, 4 ओम की बात हो रही, तो वी यहां पर 4 ओम ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 ओम या बी और क्यू के बीच में लगा है ये भी लिख सकते हैं। वी बराबर का अपना आई इंटू आर, विद्युत धारा आई ही रहेगी, प्रतिरोध इसका कितना है, आर फोर की बात हो रही, फोर आर फोर है, वी आर फोर, ठीक है ना। तो वी आर फोर इज इक्वल टू आई कितनी जा रही, विद्युत धारा सेम उतनी जाएगी 0.4, और इंटू आर फोर का मान कितना है 10, 0 से 10 हट जाएगा, तो वी आर फोर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कहां पर निकालना, पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच में 40 ओम यहां 40 ओम यहां, बिंदु एक ही के बीच लगे हैं तो इसलिए वोल्टता समान ही रहने वाली है, तो डायरेक्ट हम वी पी क्यू निकाल रहे हैं। विद्युत धारा कितनी जा रही, इसका संयोजन का प्रतिरोध कितना आया था, देखो संयोजन का प्रतिरोध आर डबल डैश आया था, विद्युत धारा कितनी गई थी इसमें, आई जाएगी, और टोटल प्रतिरोध इसका कितना आएगा, आर डबल डैश। तो हल करेंगे, विद्युत धारा कितनी है, आई का मान 0.4, आर डबल डैश कितना आया था देखो 20 ओम, 0 से 10 हटेगा, 4 × 8, तो यहां पर वी पी क्यू की वैल्यू 4 × 8 वोल्ट आ गई, तो टोटल यहां पर खर्च ज्यादा है, यहां पर खर्च कम है, यहां पर कितना आ रहा है, प्रत्येक 30 ओम पर 30 ओम वाले प्रतिरोध पर कितना जा रहा है वोल्टेज, 4 वोल्ट, 10 ओम वाले पर कितना जा रहा है, 4 वोल्ट, और 40 ओम वाले पर कितना जा रहा है वोल्टेज, 8 ओम। ऐड करेंगे तो 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 16 की बैटरी भी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप सभी भी बच्चे अगर जो इसमें नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सभी बच्चों के साथ पास पहुंच सके। तो मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।